हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल आध्या टेक्निकल में। फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि मतलब यूट्यूब से वीडियो अपलोड करना चाहिए या फिर क्रोम पे। फ्रेंड, यूट्यूब पे जो है अपलोड करना सही भी रहता है, लेकिन एक तरह से माना जाए तो क्रोम ब्राउज़र ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वहाँ से वीडियो अपलोड करने से वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं वीडियो को जो है अच्छे से अपलोड करने के। लेकिन यहाँ यूट्यूब पर वो सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पर बहुत ही सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अपनी वीडियो अच्छे से अपलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अब वीडियो जब आप क्रोम पे अपलोड करते हो तो वहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड स्क्रीन भी लगा सकते हो, कार्ड भी लगा सकते हो, और अब तो एक नया फीचर आ गया है जिसके बारे में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि वहाँ पर जो है आप क्या क्या कर सकते हो जो यूट्यूब पे नहीं मिलता है। वहाँ पर वीडियो अपलोड करने का बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड, चलिए आपको जो है फ़ोन की स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो है आपको जो है क्रोम ब्राउज़र से ही वीडियो अपलोड करना चाहिए, ना कि यूट्यूब से। कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं जितना ज़्यादा क्रोम ब्राउज़र पे मिलते हैं। आप वहाँ पर जो है लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको बार बार जो है डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ता, और जो टैग आपने एक बार लगा दिए वहाँ पर एक ऑप्शन से जो मैंने बनाया है वीडियो, वहाँ पर सिर्फ आपको एक बार अपना टैग जो भी हर वीडियो में यूज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन जैसे सोशल मीडिया हो गया, और टैग में आप जो मतलब हर वीडियो में यूज़ करना चाहते हो वो वहाँ पर आपको सिर्फ एक बार डालना रहता है, बाकी जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इस पर हमने वीडियो बना रखी है, आपको जो है एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर वीडियो जो हो देख सकते हो, कैसे सब ये कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली टैग टाइटल कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको बताते हैं कैसे जो है आप क्रोम से अच्छे से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपको आपके चैनल का लोगो दिखेगा, इसके बाद आपको जो है नीचे आना है सेटिंग पर, क्योंकि फ्रेंड वहाँ से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर यहाँ से आप करोगे तो वहाँ पर आपको YT स्टूडियो पे जो है रिडायरेक्ट कर देता है। तो आपको सेटिंग पर क्लिक करना है सबसे पहले, इसके बाद यहाँ पर देखिए चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स, तो फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड देखिए ये ओपन हो रहा है, तो देखिए ये ओपन हो जाए, फिर आगे का बताएं हम। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया है, तो यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड यहाँ से आप जो है अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपलोड पर क्लिक किया, और यहाँ पर हमने क्लिक किया वीडियो अपलोड करने के लिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है आपको अपना वीडियो ले लेना है जो भी आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड हम आपको ऐसे दिखाने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम वीडियो पे जो है क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये अपलोड हो रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप थंबनेल भी लगा सकते हो, 2 MB से ज़्यादा का थंबनेल नहीं होगा, इससे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है डाल रखा है ऑटोमेटिकली टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो देखिए हमारा ऑटोमेटिकली आ गया जो हर वीडियो में हम यूज करते हैं, सोशल मीडिया लिंक, और जो है यहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर सो मोर पर क्लिक करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, और देखिए फ्रेंड मेरा टैग भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग गया है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक बार डालना रहता है अपना जो भी हर वीडियो में यूज करना चाहते हैं। हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो जो है चैनल पर पड़ी हुई है कि मतलब ऑटोमेटिकली टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे अपलोड करें। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप अपने वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा हिंदी में है तो हम हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉरी हिंदी कहाँ है, तो हमारा हिंदी में है, तो देखिए यहाँ पर हिंदी आ गया, हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड जो है देखिए यहाँ पर आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर वैसे तो ऑटोमेटिकली डेट आ जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर
सेलेक्ट करना चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर फ्रेंड जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है। इसके बाद फ्रेंड अगर यहाँ पर लाइक डिसलाइक जो है हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको क्लिक करके अनटिक कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपके लाइक डिसलाइक नहीं दिखेंगे। अगर चाहते हैं कि दिखे तो आपको क्लिक ही रहने देना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है आप जो है सब टाइटल लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, अपलोड फाइल भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर हम ऐसे आपको दिखाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डाउन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड देखिए एडेड एंड स्क्रीन भी आता है। तो जब आपकी जो है वीडियो लॉन्ग होगी, मेरे तो ऐसे ही है 5-6 सेकेंड की, तो इसलिए एंड स्क्रीन नहीं आ रहा है। अगर आपकी लॉन्ग वीडियो होगी तो यहाँ पर एडेड एंड स्क्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वीडियो को ही लगाना तो वीडियो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह दिखेगा आपके मतलब वीडियो के होम स्क्रीन में। लेकिन आप चाहते हैं कि छोटा दिखे तो आप यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए जो है हम ऐसे लिख देते हैं 4000 आप कमाएं घर बैठे, ऐसे आपको दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लग चुका है, अब ये छोटा सा इस तरह से दिखेगा। तो अगर आप इसकी जो है लंबाई बढ़ाना चाहते हैं किस जगह पे दिखे तो इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरह से, तो वीडियो के बीच में दिखेगा कुछ चल जाने के बाद। उसके बाद फ्रेंड जो है आपको सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड आएगा जब आप यहाँ नेक्स्ट करोगे तो देखिए सबसे बड़ी बात फ्रेंड इसमें ये हमें अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर दिख जाएगा कॉपीराइट या कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम जो भी होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए पब्लिश करना है या फिर शेड्यूल करना है, तो अपने हिसाब से यहाँ कर लीजिएगा। उसके बाद पब्लिश कर देना है। तो फ्रेंड हमने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। मैं अभी वीडियो या अपलोड नहीं करना चाहती, जो मैंने अपलोड करके दिखाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने किया है। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ये देखिए तो फ्रेंड क्रोम से जो है अपलोड करने का यही फ़ायदा रहता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहाँ यूट्यूब पे भी हैं लेकिन इतने इतने सारे ऑप्शंस वहाँ पर नहीं हैं। तो फ्रेंड मेरे हिसाब से तो क्रोम से ही वीडियो अपलोड करना ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। यहाँ पर जो है क्रोम पे इतने सारे मतलब चीज़ें नहीं करनी रहती हैं, सिर्फ आपको एक बार डालना रहता है। एक बार और आप ऑटोमेटिकली डाल दोगे तो सारे टाइटल टैग जो आप हर वीडियो में यूज करना चाहते हो वो आ जाएंगे। फ्रेंड उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। ऐसी ही जो है फ्रेंड यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।